एवरीवन, प्रियदर्शनी हियर, वेलकम टू माय चैनल कैमोलन। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे अबाउट द क्लासिकल मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। क्लासिकल मेथड में काफी सारे ड्रॉबैक्स था, इसीलिए आर डी मैरीफील्ड इन द ईयर 1964 एक नए मेथड को डिवाइस किए, उसको हम सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक पॉलीस्टायरीन सरफेस लेते हैं, जिस सरफेस में कि कुछ पॉलीस्टायरीन में स्टायरीन मॉलिक्यूल को क्लोरोमेथिलेटेड किया जाता है, यानी कि उसमें CH2Cl ऐड किया जाता है कुछ बेंजीन मॉलिक्यूल में। अब फिगर देखिए, फिगर में कुछ बेंजीन मॉलिक्यूल को क्लोरोमेथिलेटेड किया गया है, CH2Cl ऐड किया गया है। तो इस पॉलीमर को हम पर सिंप्लीफिकेशन इस तरह से डिनोट करेंगे, आगे चल के जो रिएक्शन में ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे जो सर्किल है, ये जो सर्किल रिप्रेजेंट करता है पॉलीमर को, ओके? तो ये जो सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस में कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी एमिनो एसिड्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, NH2 ग्रुप को, बाय टीबॉक। टीबॉक क्या है, टर्शियरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, इसके स्ट्रक्चर है ये। अगर आप एग्जाम में उसको टीबॉक लिख रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी मेंशन कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी एमिनो ग्रुप तो प्रोटेक्टेड है, इसीलिए कार्बोक्सिल ग्रुप को ग्रुप के साथ पॉलीमर अटैच होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइथाइल एमीन एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इथाइल अल्कोहल, बॉक एमिनो एसिड के साथ पॉलीमर अटैच हो गया। देन अभी एमिनो ग्रुप को फ्री करेंगे, मतलब COOH ग्रुप तो एज इट इज होगा पॉलीमर बाउंड, लेकिन एमिनो ग्रुप को हम फ्री करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CF3COOH एंड ट्राइथाइल एमीन। देन कपलिंग ऑफ सेकेंड बॉक एमिनो एसिड विथ पॉलीमर बाउंड फर्स्ट एमिनो एसिड, और ये इन प्रेजेंस ऑफ DCC होता है। DCC क्या है, डाइसाइक्लोहेक्साइल डाइमाइड। तो यहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट, जो सेकेंड बॉक एमिनो एसिड में प्रोटेक्टेड है उस बॉक को रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ बॉक और डिप्रोटेक्शन ऑफ एमिनो। यहाँ पे भी एक्सेस ऑफ ट्राइथाइल एमीन एंड CF3COOH यूज होता है। देन ये तो डाइपेप्टाइड फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर हायर पेप्टाइड हमें चाहिए, अगेन एंड अगेन हम स्टेप 4 एंड 5 को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हमें एक पॉलीपेप्टाइड मिलता है, लेकिन उस पॉलीपेप्टाइड में COOH ग्रुप में पॉलीमर लगा हुआ होता है। अब COOH को भी फ्री करना है, इसको करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ HBr इन कोल्ड एसिटिक एसिड, तभी एक हमें फ्री पॉलीपेप्टाइड मिलेगा। तो इसके रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, टीबॉक फर्स्ट एमिनो एसिड के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड बनाएगा, वहां पे NH2 ग्रुप जो है वो प्रोटेक्टेड होगा, उसमें टीबॉक आके लग गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी NH2 ग्रुप तो प्रोटेक्टेड है, रिएक्शन कौन करेगा, COO- पॉलीमर आके COO- के साथ अटैच होगा, यानी कि ईस्टर लिंक होगा, ईस्टर लिंकेज फॉर्मेशन होगा, ओके? इन द नेक्स्ट स्टेप अभी एमिनो ग्रुप को हम फ्री करेंगे, कैसे, बॉक को हटाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CF3COOH एंड ट्राइथाइल एमिन, एक्सेस ऑफ ट्राइथाइल एमिन यूज होता है। तो रिएक्शन करने के बाद हम एक्सेस ऑफ ट्राइथाइल एमिन को वॉश करते हैं, तो इस रिएक्शन में हमें एक फर्स्ट बॉक एमिनो एसिड विथ पॉलीमर विथ फ्री एमिनो ग्रुप मिलता है। इन द नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में जो सेकेंड बॉक एमिनो एसिड होता है उसको हम लाएंगे, पिक्चर में वो आता है। तो सेकेंड बॉक एमिनो एसिड का जो COO- DCC के कार्बन को अटैक करता है और NHN के ऊपर बॉन्ड चला जाता है, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देन जो फर्स्ट बॉक एमिनो एसिड विथ पॉलीमर का नाइट्रोजन के लोन पेयर कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को अटैक करता है और यहाँ पे CO बॉन्ड क्लीव करके डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया फॉर्म होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड भी फॉर्मेशन हुआ है। देन हम बॉक को फिर हटाएंगे, बॉक अगेन आ गया है, बॉक को हटाएंगे कैसे, एक्सेस ऑफ ट्राइथाइल एमीन एंड CF3COOH, एक्सेस ऑफ ट्राइथाइल एमीन को फिर वॉश करके भी हटाएंगे। देन अभी फ्री एमिनो ग्रुप आ गया, देन ये डाइपेप्टाइड फॉर्मेशन हुआ है। जब हायर पेप्टाइड चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्टेप 4 एंड 5 को अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे, जितना चाहिए उतना उसके हिसाब से हम रिपीट करेंगे, तो एक पॉलीपेप्टाइड मिलेगा हमें, यह है पॉलीपेप्टाइड, इसका जनरल फॉर्मूला ये है।
अभी COOH को फ्री करेंगे कैसे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH। तो रिमूवल ऑफ पॉलीमर करके हमें एक फ्री पॉलीपेप्टाइड मिलेगा। तो ये जो कुछ जो 7 स्टेप्स थे उसके ये शॉर्टकट है, और ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, लेकिन आपको ये आसानी से याद रखने के लिए काम आएगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जो हम स्टेप्स पढ़े, जो हम सिंथेसिस पढ़े, उसके एडवांटेजेस ये है, यहाँ पे यील्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड बहुत हाई है, लेकिन क्लासिकल में बहुत कम था। नेक्स्ट इज, यहाँ पे टाइम जो है कम लगता है, लेकिन क्लासिकल में बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पे प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन अगेन एंड अगेन करना पड़ता था। यहाँ पे COOH को पॉलीमर के साथ एक ही बार बाउंड किया जाता है और एंड में उसको रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे टाइम बहुत कम लगता है एज कम्पेयर टू क्लासिकल मेथड। थर्ड इज, कपलिंग के बाद यहाँ इसको हम प्यूरिफिकेशन करना नहीं पड़ता है, प्यूरिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी टाइम कम हो गया। तो अगर ये जो रिएक्शंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।